Hey everyone, welcome back to my other vlog. कैसे आप सभी लोग? होप करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक है. तो गाइस, यहाँ तो कल से लगातार बारिश हुए जा रही है, पर आप लोगों ने देखा था कि मैं सेल फोन डालने के लिए गई थी अपने बाबू का, और उसके लिए मुझे कल शाम को ही कॉल आ गया था कि आपका फ़ोन बन गया है और आप ले जाइए आके. पर कल भी बारिश हो रहा था तो मैं नहीं जा पाई थी, और आज भी बारिश हो रही है. मैं पूरी तैयारी में हूँ कि मैं जाऊँ फ़ोन को लेने, फिर आप लोगों को दिखाऊँ. और वो भैया बोल रहे थे कि कुछ भी उसमें से नहीं हटा है, और मैंने पूछा था कुछ डिलीट तो नहीं किया है या डिलीट तो नहीं हो गया, तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ है. तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है. उन्होंने तो ऐसा ही बोला है, बट जब हम अपना फ़ोन लेंगे और देखेंगे तभी समझ में आएगा, है ना, क्या है क्या नहीं है. तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मेरे बाबू का फ़ोन बन गया है, और उसे हम लेके आएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे. और तो चलिए फिर बने रहिए और रेडी होते हैं, फिर चलते हैं. तो गाइस, हम आ गए हैं बिफोर से और लेना चाहते हो. आज मेरी आंखों में फिर से आंसू आए मेरे देवर की वजह से, क्योंकि आप लोग अभी आगे देखिएगा फोन बंद तो गया है, लेकिन जहां तक मुझे पता था वहां तक तो मैंने सोचा था कि अब सब सही हो जाएगा, लेकिन आगे अब मैं देख के मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया. तो गाइस, फ़ोन तो हमें मिल गया, धूप में होने लगी है बारिश, और एक 1500 रुपये लगे हैं फ़ोन में, लेकिन एक कमी है. मुझे उसका पैटर्न ना जो बाबू ने डाल के रखा था, आप ये समझ लो 3 साल हो गए हैं, 3 साल में मुझे नहीं याद है कि उसको हम कैसे खोलें, और ये भी नहीं पता है 1.5 साल से देवर चला रहा था कि उसने चेंज कर दिया है, क्या कर दिया है, कुछ भी समझ में नहीं. अगर मूड पूरा ख़राब हो गया, रुपये भी लग गए हैं, और चीज़ें सही जब नहीं होती है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. तो गाइस, अभी हमने एक शॉप पे जाके पूछा है तो कह रहे हैं कि 50% चांस होता है डाटा निकल आए. आप लोग बताइएगा मुझे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं. ठीक है, नहीं भैया सरैया नहीं जाएंगे. तो वही चीज़ें हैं यार, 1500 रुपये भी लगाई और पैटर्न याद नहीं, 3 साल हो गए, और माइंड ना इतना कट गया है कि कुछ अभी एक चांस अनिका को देती हूँ, जाके देखती हूँ अनिका को याद होगा तो पैटर्न खोल लेगी. लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या पता मतलब उसके चाचू के पास रहा है ना 1.5 साल तक फ़ोन, तो क्या पता उन्होंने ही कुछ और चेंज कर दिया हो, कहाँ नहीं जा सकता है ना. तो इसलिए हो गया. हाँ, तो मैं कह रही थी कि फ़ोन को लेके, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कोई जुगाड़ हो तो उससे हमारा फ़ोन सही हो जाए. बाकी एक भैया से मैंने बोला है तो बता रहे 50% चांस है. बाकी एक हमारे घर में अनुकु है, उनको देखते हैं, बट 3 साल से उसने भी यूज़ नहीं किया. खुशी बहुत ज़्यादा थी, घर से निकली थी तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि हाँ मैं सब कुछ उसमें देखूँगी, मेरे भी यार चैटिंग होगी उसमें जो मैंने बाबू से की थी, और सब कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी. फ़ोटोज़ हैं, क्योंकि मेरा फ़ोन था उसमें बहुत सारे फ़ोटो थे, वो भी फ़ोन चला गया. मतलब मुझसे यार हर एक चीज़ पता नहीं क्यों छीनती चली जा रही है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ क्या है ऐसा कि मुझसे जो कुछ भी है सब कुछ छीनता ही जा रहा है. चलिए चलो, हम चलते हैं बालाजी के मंदिर और दर्शन करके आते हैं, है ना. बालाजी से आशीर्वाद लेके आते हैं. इतनी बारिश में दौड़ते हुए आई थी खुशी से कि दौर बंद हो चुके हैं, लेकिन हम पैर छू लेते हैं. फैमिली आ गई मैं मोहल्ले के बिल्कुल पास. मन बहुत ज़्यादा मेरा उदास हो गया है, समझ में नहीं आ रहा. तो गाइस, पता है बुरा ये लगता है ना कि जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा वो करते हैं, वही चीज़ मुझसे छिन जाती है. कितनी चीज़ों का मैं सब्र करूँ मुझे नहीं पता कि भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों लेता है. बहुत मन उदास हो गया है मेरा यार, बस पैटर्न नहीं खुला तो.
फिर भी एक उम्मीद है कि खुल जाएगा, राधा रानी चाहेंगी तो फ़ोन का पैटर्न ज़रूर खुल जाएगा। और अभी अनिका के पास जाते हैं, उससे एक बार ट्राई करवाते हैं, क्या पता अनिका खोल देती है ना, तो अनिका खोल देगी तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि कैसे पैटर्न खोलने का कुछ और कुछ आइडियाज़ है कि मेरी जितना भी उसमें, और ये भी बात है ना, जितना मैंने चैट किया या बाबू ने किसी से चैट किया, 1.5 साल तक फ़ोन उनके पास रहने से क्या पता उन्होंने ही चैट या सारे जितने भी प्रूफ थे हटा दिए हों, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उस फ़ोन में वैसे बहुत चीज़ें थी जिनसे हमें बहुत चीज़ों का सामने आता खुल के, है ना। लेकिन देखो क्या होता है, जो राधा रानी ने अच्छा होगा महाकाल वही होगा, है ना। हमारे कहने से ही, आपके कहने से कुछ भी नहीं होता। चलिए, मौसम बहुत ख़राब था, खुशी खुशी से दौड़ दौड़ के ठीक ही सब कुछ। अभी फ़ोन लेके आऊँगी, खाना भी नहीं खाया था, ऐसे ही घर से भागते हुए गई थी मैं। चलिए यहाँ आओ। हम जा रहे थे, आप आ गई हो, कहाँ गए थे? यहाँ आइए, बस अभी के बाद। ये देखो पापा का फोन बन के आ गया। कस के पुश करो, बिल्कुल डैमेज हो गया था, खुली उधर ही से, उधर ही से। रुको, गलत हो गया। कैसे खोलता था पापा? आप तो खोलती थी पापा का फोन, पता नहीं किस लेटर से खुलता था, लेटर बना लेते, एन एन से खुलता था। हाँ वो फोन तो आप का नाम रखते थे, डब्लू बन गया इनके चक्कर में। ये क्या बना रही, एन ऐसे बनता है? तभी तो एन लेटर था, पता नहीं आपके नाम से रखा था उनको लगता है। कैसे पता किया जाए बताओ, आप तो खूब चलाते थे। पता नहीं कि पर अब तो नहीं खुल रहा है। एन से खोलते थे पापा, आपको कंफर्म पता है? तो अभी क्यों नहीं खुल रहा है? पता नहीं, इतने सारे रुपए भी लग गए। गाइस देख सकते हो फोन, ये देखिए बन के आ गया है, और लेकिन पैटर्न नहीं याद है ना, अनिका से ओपन हो रहा है। अनिका कह रही एन लेटर पापा बनाते थे, लेकिन उससे भी नहीं हो रहा है, क्या पता उन्होंने चेंज कर दिया हो। बटन भी काम नहीं कर रहा है, बहुत दबाने पे कर रहा है, और 1500 रुपये भी लग गए हैं इसमें। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं फेस लॉक डाल के रखा होता? फेस लॉक नहीं था, नहीं उन्होंने डाल लिया। फेस लॉक होता तो फेस लॉक बन के आता। सारे लेटर यूज करूं, उनमें से एक लेटर से खुल गया तो मछली ऐसा करती है। रुको, फिर खुलता है कि नहीं खुलता है कुछ भी पता नहीं अभी। और एक जगह हमने बात की है, देखो वहाँ पे क्या बताते हैं क्या नहीं। मूड पूरा का पूरा मेरा ऑफ हो रखा है, क्योंकि फ़ोन को लेके बहुत ज़्यादा खुश थी मैं कि फ़ोन मेरा बन रहा है, फाइनली बन के भी आ गया।
लेकिन बस यही लग रहा है कि एक तो 3 साल से मैंने उसको छुआ भी नहीं, ना निकाह ने छुआ, 3 साल से जो चीज को टच ना करो। लेकिन मुझे पैटर्न कुछ कुछ तक याद है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसने चेंज कर दिया हो, ये भी हो सकता है ना। और बस यही सारी चीजें, अनिका ने भी पूरी कोशिश कर ली, अनिका से भी नहीं हुआ और किसी से नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं, है ना।